नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे सूजी के रसगुल्ले। सब लोगों ने कमेंट किया था कि हमें सूजी के रसगुल्ले बना के दिखाइए, तो इस तरह हम सूजी के रसगुल्ले बना के दिखाते हैं। लेकिन इसका टेस्ट पनीर के रसगुल्ले से अलग होता है, बिल्कुल पीठे जैसा होता है। तो इस तरह हम आज बनाएंगे सूजी के रसगुल्ले। सबसे पहले एक छोटा सा पतीला लिया है, एक कप शुगर ऐड किया है और एक कप हमने पानी ऐड किया है। इसकी हम चाशनी बना लेंगे। गैस चूल्हा हमने मीडियम से चला रखा है और इस तरह ये गर्म होकर मेल्ट हो जाता है और चाशनी को उबाला जाता है। चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। बस एक कप हमने पानी ऐड किया है, एक कप हमने शुगर ऐड किया। वजन में हमने 250 ग्राम शुगर ऐड किया है और 250 ml पानी ऐड किया। टेस्ट के लिए हमने रूह केवड़ा वाटर ऐड किया है। चाशनी हमारी कम लग रही थी तो आधा कप हमने शुगर और आधा कप पानी हमने दोबारा और ऐड कर दिया है। मतलब हमारा 400 ml पानी और 400 ग्राम शुगर हो गया। इस तरह हमारी चाशनी कंप्लीट होगी उबाला के। अब यहाँ इसको हम गैस चूल्हे पे रखे रहने देते हैं, दूसरे गैस चूल्हे पे हम बनाएंगे। यहाँ हमने लो मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, एक पैन रखा है। पैन में हमने एक चम्मच घी ऐड किया है। घी हमारा बस 15 ग्राम होगा। इस तरह हम इसको गर्म करके और चारों तरफ पैन में लगा देते हैं। ये देखिए, ये हल्का सा जब गर्म हो जाता है तो इस तरह हम उसके बाद पैन को इस तरह राउंड में घुमा देते हैं, जिससे घी हमारा चारों तरफ फैल के पैन में लग जाता है। उसके बाद हम इसमें 1.5 कप दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, यह हमने 1.5 कप दूध ऐड कर दिया है। तो दूध हमारा पहले से उबला हुआ है, इसलिए जब दूध हमारा हल्का सा गर्म हो जाता है, इस तरह हम आधा कप सूजी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और हम दूध में मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह हम मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होता जाता है, वैसे इससे ये गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह हल्का हल्का जब गर्म होता है तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह हम पूरी अच्छी तरह इसको गाढ़ा कर लेंगे। जैसे जैसे सेक लगता जाता है, वैसे वैसे ये पूरा गाढ़ा होता जाता है। ये देखिए, अब यहाँ थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम थोड़ा इलायची पाउडर टेस्ट के लिए ऐड कर देंगे और इस तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए पूरी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ हमने 1/4 कप शुगर ऐड किया है, मतलब इसमें हमने 60 ग्राम तक इस शुगर ऐड कर दिया है और इस तरह हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, पैन सा छोड़ने लगा है। अब बस ऐसा ही हमें चाहिए। ये देखिए, ये पैन छोड़ रहा है। अब इसको एक थाल में हम ऐड कर देंगे, जिससे हम ठंडा हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ हम एक थाल ले लिए हैं। थाल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद इसको ठंडा कर देते हैं। तो इसको देर तक ठंडा करना पड़ता है, कम से कम ये आधा घंटा पड़ा रहे, 30 मिनट तक, तब ये पूरी तरह ठंडा होता है। उसके बाद हम बनाएंगे रसगुल्ले। तो ये देखिए, यहाँ हमने आधा घंटे के बाद बिल्कुल ये ठंडा हो के तैयार हो गया है। ये देखिए, तुरंत ये इकट्ठा हो जाता है और हाथ में चिपकता भी नहीं। ये इतना मुलायम होता है कि रसगुल्ले की गोली आसानी से बनके तैयार हो जाए। ये देखिए, तो यहाँ ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। एक एक गोली हम बनाते जाएंगे, छोटी छोटी पेड़िया या बड़ी साइज़ की आपको बनाना, जैसे भी बनाना, उतनी बड़ी पेड़िया तोड़ के इस तरह हम गोल राउंड लगा के गोली बना लेते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी गोली हमारी होनी चाहिए, क्रेकिंग वगैरह ना हो। तो इस तरह हम गोली बना के तैयार कर लेंगे। ये दो गोलियां हमने बिल्कुल सेफ बना के तैयार कर दिया है। अब हम आगे बना के दिखाते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम सारा बना लेंगे। ये देखिए, हम दो दो गोलियां भी बना लेते हैं। तो इस तरह हमने सारी गोलियां बना के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम पकाई करेंगे चाशनी में। ये चाशनी को हम उबाला दे देते हैं और इसमें हम अपने गोलियाँ छोड़ेंगे रसगुल्ले की। तो ये देखिए, इस तरह उबाला आ गया और इस तरह हम इसको छोड़ देंगे इसमें। इसमें और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर इस तरह हम चाशनी में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे। ये आसानी से बीच में चाशनी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिए, यहाँ हम 2 मिनट इसको उबाला दे देते हैं और इस तरह ये पक के तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब ये रसगुल्ले हमारे बिल्कुल पक रहे हैं। इस तरह हमारे रसगुल्ले बिल्कुल पक के तैयार हैं। ये 2 मिनट में अच्छी तरह पक जाता है। सूजी और घी के साथ अच्छी तरह पहले से भी पका होता है। तो इस तरह ये देखिए, रसगुल्ले को केवल 2 मिनट उबाला देना,
पूरी अच्छी तरह ये रसगुल्ले बनके तैयार हो जाते हैं। इस तरह हमारे सूजी के रसगुल्ले बनके तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारे घर के लिए होता है, हम बाज़ार में ऐसे रसगुल्ले नहीं मिलते हैं, ना सूजी का कोई पसंद करेगा, क्योंकि आजकल पनीर के रसगुल्ले बनते हैं तो इसलिए सूजी का टेस्ट अलग होता है, इसलिए सूजी का रसगुल्ला मार्केट में नहीं पसंद किया जाता है। लेकिन घर पे हम आसानी से इस तरह के रसगुल्ले बना के खा सकते हैं और पूरी टेस्टी होती है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। इस तरह हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको कट के भी दिखाएंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है। उसके बाद में हम रसगुल्ले के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा केसर। ये देखिए ये केसर लगा दिया और इस तरह हमारे सूजी के रसगुल्ले बिल्कुल कंप्लीट हैं। इसे हम पीठा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो चावल के पीठे होते हैं उसकी तरह होता है, टेस्टी ये भी होता है, लेकिन पनीर के रसगुल्ले से अलग होता है। तो इस तरह के रसगुल्ले आसानी से अपने घर में कंप्लीट कर सकते हो। और ये देखिए हम रसगुल्ले आपको कट के भी दिखाते हैं, इसमें पूरी चाशनी भी भरी होती है और पूरे सॉफ्ट रसगुल्ले बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल देखने में बिल्कुल पनीर जैसा रसगुल्ले बनके तैयार होता है और ये पूरे सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए कट के, और ये पूरी चाशनी और छोटी छोटी जालियाँ इसमें पूरी दिखाई देती हैं, चाशनी इसमें अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह के रसगुल्ले आप कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ।